चलिए एक और निम से 22 के नए टॉपर से मिलते हैं उत्कर्ष शर्मा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 7070 है और वाराणसी से बिलोंग करते हैं उत्कर्ष, यूपी से। तो उत्कर्ष, सबसे पहले ऑल इंडिया 70 रैंक के लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। आपको और आपके पेरेंट दोनों लोगों को। थैंक यू। तो उत्कर्ष, क्योंकि आपने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है ना, ड्यूरिंग फाइनल ईयर, मतलब आपने फाइनल ईयर भी साथ में किया और एक इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो मैं चाहूंगा कि जो आपकी सक्सेस जर्नी है, पहले तो आपने निमसेट के लिए कब सोचा और फिर आपने साल भर किस ढंग से स्टडी की और क्या आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी है, क्या आपकी सक्सेस की है वो बताएं। तो जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में था तो मैंने ऐसे ऑनलाइन थोड़े मतलब ऑप्शंस के बारे में देखने की कोशिश किया कि आगे क्या कर सकते हैं। तो तब मुझे इंटरनेट के थ्रू पता चला कि निमसेट एक एग्जाम होता है और जिसमें जो कि मुझे काफी लगा, मेरी 11 12th की मैथ्स अच्छी थी तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई प्रिपरेशन में। मैंने सिर्फ अक्टूबर से शुरू किया था प्रिपरेशन का, तो मैंने एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स दिसंबर तक कर लिए थे, मतलब काफी स्लो पेस में। फिर जनवरी से मतलब मैंने काफी सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था और मुझे मतलब कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके ही जो यूट्यूब पर फ्री वीडियो है उससे ही मेरा हो गया था, क्योंकि मुझे कोई भी टॉपिक्स पहले से नहीं पढ़ने थे, मुझे बस थोड़ा रिवाइज करना था और फिर जो मैजिकल कैप्सूल कोर्स आया था उससे मुझे काफी हेल्प मिली थी। उससे मैंने जब मॉक टेस्ट दिए तो मुझे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना पता चला, मुझे पता चला कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, फिर मुझे लगा कि नहीं मैथ्स ही करेंगे, फिर LR, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, तो मैजिकल कोर्स से मुझे काफी हेल्प मिली थी। तो उत्कर्ष एक बार बताओ, जैसे आपने, क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा था और आपने फिफ्थ सेमेस्टर में सोचा, कई लोगों के मन में डर रहता है कि एक साल में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, जबकि मैं बोलता हूँ अगर आपने एक बार ठान लिया तो जितना समय बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उत्कर्ष ये बताओ कि आप टेस्ट पेपर जब देते थे तो टेस्ट पेपर और एनालिसिस पे आपने कितना काम किया, क्योंकि मेरा मानना है सक्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट की जो है वो टेस्ट और उनके एनालिसिस। यस सर, मैंने जब पहले टेस्ट देना शुरू किया था तो मतलब मैं सिर्फ टेस्ट देता था, एनालिसिस नहीं करता था। फिर आपने मतलब कई बार कहा कि एनालिसिस टेस्ट देने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। फिर मैंने उन क्वेश्चन पर ध्यान दिया जो मुझसे गलत हो जा रहे हैं या मुझे मतलब उसको अप्रोच करना नहीं समझ आ रहा है। फिर जब मैंने उसको एनालिसिस करना की शुरुआत की तो मुझे मतलब काफी मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट आया। जैसे पहले मेरा स्कोर 500 आता था, फिर 600 टच करने लगा, फिर 650, फिर 700 भी कई बार क्रॉस गया, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। और वो सबको ही मतलब करना ही चाहिए, एनालिसिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताओ कि आपका जो स्कोर था नेट स्कोर वो कितना आया और मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या स्कोर था आपके, कई बच्चे स्कोर जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा आप स्कोर बताएं अपना। मेरा नेट स्कोर था 691.5 और जिसमें मैथमेटिक्स में था 405 और रीजनिंग में था 184.5 और कंप्यूटर में, कंप्यूटर 48, इंग्लिश 54। वेरी गुड, तो आपका ओवरऑल चारों पे कॉम्बिनेशन अच्छे थे। अच्छा उत्कर्ष, आप क्योंकि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, तो आपका अपने जूनियर्स को क्या मैसेज होगा? कई बार जो फाइनल ईयर वाले बच्चे इस चीज को लेकर डरते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉलेज के साथ मैनेज होगा कि नहीं, तो उनके लिए आपका क्या स्पेशल मैसेज होगा? उनके लिए यही मैसेज होगा कि आप थोड़ा अपना रोड मैप क्लियर करके चलें, आप पहले से प्रिपेयर रखें कि मुझे आगे वाले इन दिनों में इन टॉपिक्स को कम्प्लीट कर ही लेना है, नहीं तो आगे जाके काफी ज्यादा हौच जाता है, मतलब काफी फिर समझ नहीं आता, मतलब कोर्स काफी मतलब सिलेबस काफी ज्यादा बचा रह जाएगा, फिर आपको कुछ टॉपिक्स छोड़ने पड़ेंगे। तो आप रोड मैप क्लियर करके चलें, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तभी आपको एक रोड प्लान तो बना ही लेना चाहिए, अगर और अगर आपसे कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एनरोल कर ही सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप रोड मैप क्लियर रखें और टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत ही अच्छा लगा बेटा उत्कर्ष आपसे बात करके, अब आप आगे NIT में भी इसी तरह बेस्ट परफॉर्म करें और इसी तरह से मेहनत करते रहें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।